देखिए आज हम लोग जो चैप्टर का आपका रिवीजन करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है कंप्लीट उस चैप्टर का, आज आपको रिवीजन कंप्लीट कराएंगे आपको 10 मिनट के अंदर। तो सबसे पहला बात स्टार्ट करते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सबसे पहला चीज आप लोग को क्या जानना है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जानने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इकोनॉमी के अंदर आपके चार सेक्टर्स होते हैं। कोई भी हमारा इकोनॉमी है उसके अंदर कितने सेक्टर्स हैं आपके? चार सेक्टर्स आपके होते हैं, ठीक है। चारों सेक्टर्स में आपका जो पहला सेक्टर है उसका नाम है आपका हाउस होल्ड, दूसरे सेक्टर का नाम है आपका फर्म, तीसरे का नाम है आपका गवर्नमेंट, चौथे का नाम है आपका फॉरेन सेक्टर। तो इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स हैं आपके? चार सेक्टर्स। पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा फॉरेन। लेकिन आपको गवर्नमेंट और फॉरेन के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है दो सेक्टर्स के बारे में। पहले सेक्टर का नाम हाउस होल्ड और दूसरे सेक्टर का नाम आपका फर्म या प्रोड्यूसर भी कहते हैं उसको हम लोग। आगे बात करते हैं आपको क्या सेक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। इकोनॉमी में किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपके चार फैक्टर्स क्या है आपके बहुत ज्यादा आपके हेल्पफुल होते हैं। चारों फैक्टर्स में क्या क्या आपका लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। चार फैक्टर्स कौन कौन है आपके? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज आपके चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आपके, ठीक है। वो पता ही था वो चावल लेके, ठीक है। चार फैक्टर्स आपके कौन कौन बताए थे आपको अभी हम? चार फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज आपका, ये चार फैक्टर्स थे। चारों फैक्टर से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी है। मान लो कोई भी चीज हमको, मान लो बिस्किट को प्रोड्यूस करना है, तो बिस्किट को प्रोड्यूस करने के लिए पहले तो जमीन चाहिए जहां पे प्रोडक्शन फैक्ट्री मेरा खुलेगा। उसके बाद जब फैक्ट्री बन जाएगा उसपे काम करने के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए। उसके अलावा मशीन खरीदने के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। कैपिटल, रॉ मेटेरियल खरीदने के लिए क्या चाहिए होगा? कैपिटल। और जो इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल, तीनों को एक साथ सिंक्रोनाइज करता है, एक साथ इकट्ठा करता है, उसका नाम क्या आपका? इंटरप्राइजेज है। तो बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हो गए? चार, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज आपका। इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर कौन है आपका? मालिक कौन है? इंटरप्राइज मालिक। और बेसिकली वो क्या है आपका? हाउस होल्ड। कौन है मालिक आपका? हाउस होल्ड मालिक है आपका। और बेसिकली जो फर्म है, जो क्या है आपका? फर्म है। जो दूसरा सेक्टर आप बताए आपको, वो बेसिकली सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या है आपका? यूजर है। कौन है आपका? ये यूजर, मतलब उसको यूज करता है। लैंड को यूज कौन करता है? फर्म। लेबर को यूज कौन करेगा? फर्म। कैपिटल का यूज कौन करेगा? फर्म। एंटरप्राइज का यूज कौन करेगा? फर्म। तो फ्री में तो नहीं यूज करेगा लैंड। अगर मान लीजिए कि हम एक फर्म है और आपको सामने वाला हाउस होल्ड है, हम अगले से लैंड लेकर अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या लैंड फ्री में नहीं देगा? तो लैंड के बदले क्या मिलता है आपको? रेंट। लैंड के बदले आपको क्या मिलेगा? रेंट। लेबर के बदले क्या मिलेगा आपको? वेजेस। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज के बदले आपको प्रॉफिट क्या होगा आपका? मिलेगा। क्लियर है इतना बात? लैंड, लेबर, लैंड के बदले आपको रेंट, लेबर के बदले आपका वेजेज, कैपिटल के बदले आपका आपका इंटरेस्ट और इंटरप्राइज के बदले क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार हो गए, हाउस सेक्टर्स कितने हो गए? दो हो गए, हाउस होल्ड और फर्म आपका। ऑनर कौन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का? हाउस होल्ड। यूजर्स कौन है आपका? फर्म। इतना बात क्लियर है आपका? अब आगे बात करते हैं दो कंसेप्ट आपका, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि कैसे ये इनकम का सर्कुलर फ्लो आपका होता है, ठीक है। मान लो क्या हुआ आपका कि बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, मेरे जैसे एक इंप्लॉय को अपने यहां काम करने के लिए रखा। अब मान लीजिए कि इंप्लॉय अगर हम है, हम काम कर रहे हैं, तो हमको क्या देगा वो कंपनी? वेजेस देगा, क्योंकि मेरा लेबर वो ले रहा है, तो हमको क्या देगा वो? वेजेस देगा। अब वेजेस जो हमको मिला, हम उस वेजेस से क्या किए कि हम उसी कंपनी के बिस्किट को जाकर अपने बच्चों के लिए क्या किया आपको, खरीद कर आपको लेते रहे। तो हम जो कमाए फिर वो वापस किसको लौटा दिए? उसी फर्म को लौटा दिए। फिर फर्म के पास जो पैसा आया, वही पैसा से फिर अगले महीने किसको पेमेंट करेगा वो? हमको पेमेंट करेगा। तो ये तो कंटिन्यूअस फ्लो आपका इनकम का होता रहेगा, कभी रुकेगा ये साइकिल आपका। जितना दिन हम काम करेंगे या हम कहीं भी काम करें, उतना दिन तक तो ये इनकम फ्लो आपका रुकने वाला है नहीं। तो इसी फ्लो को इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं हम लोग? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम। जो दूसरे का पहले का खर्च है वो दूसरे के लिए क्या है आपका? इनकम है। आज जो दूसरे के लिए इनकम है वो पहले का क्या है आपका? और यही जो रोटेशन होता है इकोनॉमी के अंदर, यही क्या कहलाता है आपका? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर है इतना बात? अब बात करते हैं आपको स्टॉक और फ्लो का, कि स्टॉक और फ्लो क्या है आपका।
तो स्टॉक बेसिकली और फ्लो, इसको समझने का एक एग्जांपल हम क्लास में बताए थे कि मान लीजिए कि आपको 1 अप्रैल से आपके स्कूल का नया सेशन क्या हुआ, आपका स्टार्ट हुआ, तो जितने बच्चे आपके क्लास टीचर ने क्या किया, पहले दिन रजिस्टर पर आपको चढ़ा दिया, मान लीजिए 40 बच्चे क्लास में थे, 40 बच्चों का नाम क्या किया क्लास टीचर ने, आपको रजिस्टर पे मेंटेन कर लिया। अब जो मेंटेन कर लिया वो सालों भर क्या रहने वाले हैं, सेम, कोई बदलाव तो नहीं आना है, वो बेसिकली क्या है आपका स्टॉक, वो तो बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। या और उसमें जो हर दिन आपका चेंज आएगा, क्या आएगा आपका चेंज आएगा, जरूरी है कि हर दिन 40 के 40 बच्चे आए, कभी 35 आएंगे, कभी 36 आएंगे, कभी 10 आएंगे, कभी 20 आएंगे, तो हर दिन जो चेंज हो रहा है वो क्या है आपका, तो स्थिर कौन है, स्टैटिक कौन है आपका स्टॉक, और डायनामिक कौन है आपका, किसमें चेंज आ रहा है आपका, फ्लो में आपका चेंज आ रहा है, तो फ्लो आपका डायनामिक कंसेप्ट हुआ, क्लियर है इतना बात आपका। स्टॉक क्या है तब, स्टॉक वो इकोनॉमिक वेरिएबल है जिसको हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। स्टॉक और फ्लो में अंतर बस इतना ही है कि दोनों इकोनॉमिक वेरिएबल है, स्टॉक को मेजर करते हैं पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फ्लो को मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे, वो पीरियड ऑफ टाइम आपका 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी, 1 महीना भी, 1 साल भी, और आपका 6 महीना भी आपका हो सकता है। तो स्टॉक और फ्लो में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्टॉक को हम लोग पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, और फ्लो को हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। स्टॉक स्टैटिक है और फ्लो आपका डायनामिक है। और क्लास में ये भी बताए थे कि स्टॉक और फ्लो को पकड़ने का आसान तरीका क्या है, जिसमें एज ऑन लगा रहे, जिसमें क्या लगा रहे, एज ऑन लगा रहे, वो बेसिकली क्या है आपका, वो आपका स्टॉक है, और जिसमें ड्यूरिंग लगा रहे हैं वो क्या आपका फ्लो है। जैसे पॉपुलेशन एज ऑन 31st मार्च क्या हो गया स्टॉक, प्रोडक्शन ऑफ कार्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी ये आपका हो गया फ्लो, सेविंग्स आपका क्या है फ्लो है, वेल्थ आपका क्या है स्टॉक है आपका, क्लियर है, वेल्थ आपका क्या है स्टॉक है, और सेविंग्स क्या है आपका फ्लो है, नेशनल इनकम क्या है फ्लो है, नेशनल वेल्थ क्या है स्टॉक है। और उसी में आगे फिर बात किया कि फ्लो का 2 टाइप्स आपको करा दिया गया था, एक रियल फ्लो और एक आपका मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या हुआ था, रियल फ्लो में हाउसहोल्ड, बताओ रियल फ्लो में मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हाउसहोल्ड क्या प्रोवाइड करता है फर्म को, फैक्टर सर्विसेज, और फर्म उन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके हाउसहोल्ड को क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज का यूज कौन किया, फर्म। ये हाउसहोल्ड किसको दी बना देकर, फर्म को, फर्म इन चार सारी चीजों का क्या किया आपका यूज किया, और इससे क्या बनाया, बिस्किट बनाया, और किसको दे दिया आपको, हाउसहोल्ड को। यहाँ पे कहीं भी मनी का इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, तो रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो के नाम से भी क्या है आपको जाना जाता है आपका, कि बेसिकली हाउसहोल्ड क्या प्रोवाइड करती है फर्म को, हाउसहोल्ड प्रोवाइड करती है फैक्टर सर्विसेज, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर सर्विसेज फर्म क्या प्रोड्यूस करती है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाइड टू द हाउसहोल्ड। और फिर आपका मनी फ्लो क्या है, तो मनी फ्लो में सिर्फ मनी का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब हाउसहोल्ड किस चीज का पैसा फर्म को देगी, तो जो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज दिया है हाउसहोल्ड को, वो हाउसहोल्ड उसको खरीदेगी, तो हाउसहोल्ड किसको पेमेंट करेगी, फर्म को, उस पेमेंट का नाम क्या है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मान लो कि फर्म अगर बिस्किट बनाया, तो फर्म बिस्किट किसको देगा, हाउसहोल्ड को बेचेगा, तो क्या हाउसहोल्ड फ्री में खरीदेगी, हाउसहोल्ड को पैसा देना पड़ेगा ना, उस पैसा का नाम क्या है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो हाउसहोल्ड फैक्टर सर्विसेज फर्म को दी, तो क्या फर्म आपका फ्री में ले लेगा, उसके बदले पेमेंट करेगा, तो पेमेंट का नाम क्या है आपका फैक्टर पेमेंट। वो पेमेंट कौन कौन होता है आपका, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट। इससे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है एग्जाम में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल पे उसके क्वेश्चन पूछते हैं, रियल फ्लो मनी फ्लो आपका क्या होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर्कुलर फ्लो इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट वंस इनकम इज अदर्स, वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कि जो पहले का इनकम वो दूसरे के लिए क्या है आपका खर्च है, ठीक है, या जो दूसरे के लिए खर्च है वो अगले के लिए क्या है उसका इनकम, इसे स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। इसे बेसिकली आपको सारा बात लिखना होगा कि इकोनॉमी के अंदर आपके 2 सेक्टर्स हैं, हाउसहोल्ड एंड फर्म, हाउसहोल्ड क्या सप्लाई करता है फर्म को फैक्टर सर्विसेज, और फर्म क्या सप्लाई करता है हाउसहोल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज, हाउसहोल्ड पेमेंट करता है किसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फर्म को, और फर्म किसका पेमेंट करता है फैक्टर पेमेंट का किसको हाउसहोल्ड को, इन द फॉर्म ऑफ रेंट,
wages, interest or enterprise और इसके अकॉर्डिंग देर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी. ना ही हाउस होल्ड अपने इनकम में से कुछ सेव करता है, ना ही फर्म अपने प्रॉफिट में से क्या करता है आपका कुछ सेव करता है. क्लियर है इतना बात आपका? 10 मिनट.